अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटी टेस्ट का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर हमारे पास वही पहला ही है स्टीशोमेट्री। और स्टीशोमेट्री के तीन जो हैं वो इंटी टेस्ट की जो वीडियो हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और इसके अलावा जो फेसबुक का पेज है इंटी टेस्ट ग्रुप केमिस्ट्री, उसमें भी मैंने जो है वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। और उसके अलावा वहाँ पर मैंने पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा उस पीडीएफ के अंदर कुछ और एमसीक्यूज भी हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के साथ या इन्हीं एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, तो अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक लिहाज से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस तरह के एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है वो है मास टू मास रेशो, यानी कि स्टीशोमेट्री का ही टॉपिक है मास टू मास रेशो, कि अगर एक मास गिवन हो तो दूसरा मास हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ होता है और प्रोडक्ट का मास आपने फाइंड करना होता है, तो एक की अमाउंट दी होगी दूसरे की अमाउंट आपने फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जो क्विक फार्मूला हम यूज करेंगे वो क्या होगा, जिससे हम फौरन आपके पास उसका रिजल्ट ले आए, तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला एमसीक्यूज इस वक्त हमारे पास है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू बर्न 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस। अगर मीथेन गैस आपके पास 32 ग्राम हो तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट जो है वो हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। ज़्यादातर ये होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक की अमाउंट दी हुई हो और एक को फाइंड करना हो, जैसे ऑक्सीजन को फाइंड करना है और मीथेन की दी हुई है, तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हों या न्यूमेरिकल्स हों स्टीशोमेट्री के अंदर, तो उनके लिए केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता चलेगा। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन है अगर मैं वो लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि CH4+O2 है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर ये बर्न हो तो इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होगा और प्लस इसमें हीट जो है वो रिलीज होगी। तो मीथेन के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न होती है तो ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, स्टीशोमेट्री की थ्योरी के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं कि इक्वेशन को सबसे पहले आपने बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर मीथेन बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। इस वक्त यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 2 4, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 4 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 1 2 2, ये हो गए 2 और 2 हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप जब भी, क्योंकि ये गिवन है इस वक्त मीथेन और ऑक्सीजन की अमाउंट को मालूम करना है, तो गिवन को आपने उसकी रेशियो में पहले लिखना है, मतलब मोल आपने पहले लिखना है। तो गिवन का मोल आपके पास जो है उसका जब हम लिखेंगे तो गिवन अमाउंट पहले लिखेंगे, नीचे मोलर मास लिखेंगे। तो मीथेन गैस की जो अमाउंट दी हुई है हमें वो है 32 ग्राम, तो यहाँ पर आपके पास 32 आ जाएगा। इसके नीचे मोलर मास लिखते हैं मोल के फार्मूले में, ऊपर ऊपर गिवन अमाउंट, नीचे मोलर मास लिखते हैं। मोलर मास मीथेन का ही आपने लिखना है, तो इक्वेशन में अगर आप देखें तो मीथेन का एक ही मॉलिक्यूल है, एक कार्बन का मास 12 है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मास 4 हो जाएगा, तो टोटल 16 बनता है। यानी कि गिवन अमाउंट 32 ग्राम है और जो हमारे पास मोलर मास है वो 16 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अननोन, जिसको आपने फाइंड करना है उसका भी मोलर मास लिखना है, वो भी इक्वेशन से लिखना है। तो ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो 2 आ जाएगा, और ओ2 का मास कितना बनता है, तो 1 ऑक्सीजन का 16 है, 2 का 32 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आप, तो 16 1 16 16 2 आपके पास हो जाएगा 32, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 32, तो इसका रिजल्ट अगर देखें तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 आपके पास 12 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन गैस के 32 ग्राम को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जो अमाउंट जरूरत होगी वो होगी 128 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, सी ऑप्शन है जो कि 128 ग्राम है। तो इस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो इस वक्त वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो के हवाले से, पहला एमसीक्यूज हमने मास टू मास सॉल्व किया, अब हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें है कि व्हेन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ
20 decimeter cube of hydrogen gas react with the axis of ethane, then how much volume of ethane gas produce? अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 20 डेसीमीटर क्यूब है और इथाइन एक्सिस में है, तो इथाइन वाई एन ई आ रहा है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका फार्मूला हो जाएगा C2H2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका अगर रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन के नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो इथेन है, तो इथेन गैस का फार्मूला होता है C2H6। अगर हम इस इक्वेशन को इस वक्त बैलेंस करें तो नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर 2 और 2 4 है, कार्बन यहाँ पे भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, आपके पास 3 2 आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बल्कि 3 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 4 ये होगा और 2 ये, तो 4 और 2 हमारे पास कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व वैसे ही करेंगे कि हमारे पास जिसकी अमाउंट दी हुई है उसका हम यहाँ पर मतलब जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम वो ऊपर लिखेंगे, तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास है हाइड्रोजन गैस का जो कि 20 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा और नीचे हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस का ही हमने यहाँ पर मोलर वॉल्यूम लिखना है। देखिए चीज ध्यान में रखें कि जो चीज दी होगी उसी का ही आप मोलर जो है वो लिखेंगे, अगर गिवन अमाउंट दी होगी मतलब मास दिया होगा तो मोलर मास लिखेंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो मोलर वॉल्यूम लिखेंगे, मोल दिया होगा तो मोलर मोल लिखेंगे। तो हमारे पास इस वक्त जो वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का वो 20 है, मोलर वॉल्यूम यहाँ से लिखेंगे कितने आपके पास हाइड्रोजन गैस के मोल हैं या कितने हमारे पास उसके मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है, लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 में हमने वॉल्यूम डिटरमिनेशन की हुई है, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम जो है 22.414 हमारे पास होता है डेसीमीटर क्यूब आपके पास, ठीक है ना, तो डेसीमीटर क्यूब हो गया, यहाँ पर भी डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय अभी हम क्या लिखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ अननोन, यानी कि मोल को अननोन के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे लास्ट में जब हमने कुछ एमसीक्यूज लास्ट वीडियो में सॉल्व किए जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने फाइंड किया था, तो वहां पर हमने एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल फाइंड करने थे, लेकिन यहाँ पर अननोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो अननोन कौन है, अननोन हमारे पास ये वाली गैस है, तो इसका अगर आप देखें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो एक मोल हमारे पास होगा, एक मोल का आपके पास वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ये देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नहीं लिखा ताकि कटिंग आसान हो जाए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कटिंग में मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए जितने मॉलिक्यूल थे वो लिखा साथ उसका वॉल्यूम लिख दिया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 22.414 डेसीमीटर क्यूब 22.414 डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो चुका है, अब इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 10s आपके पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 10 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 10 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इस एमसीक्यूज का ठीक ऑप्शन है कि अगर 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस को आप इथेन से रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन के जो आपके पास अमाउंट प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन जो है वो इसका बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज इस वक्त जो है उसमें मैंने रेशो को चेंज कर दिया है, उसमें है मास टू वॉल्यूम रेशो, यानी कि मास गिवन होगा और वॉल्यूम को हमने क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे इक्वेशन लिखेंगे, इस क्वेश्चन में जो मौजूद है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस है उसको हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रहा है वॉल्यूम आपके पास जिसका फाइंड करना है वो है अमोनिया, यानी कि ये हमारे पास गिवन अमाउंट है और इसकी हमने वॉल्यूम को क्या करना है फाइंड करना है, तो गिवन अमाउंट जिसकी दी हुई है इक्वेशन को बैलेंस भी लाजमन करना है इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 3 है इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर आप लगा देंगे 2, 2 3 6, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे ये भी 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 2 6 हो जाता है। अब इसके हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में मैंने आपको पहले कहा कि जो गिवन आपके अमाउंट दी हुई है वो आप डायरेक्ट लिख दें, तो गिवन अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी और उसी के नीचे आपने जब अमाउंट ऊपर लिखनी है यानी कि गिवन अमाउंट है यानी कि 14 ग्राम तो नीचे मोलर मास लिखना है जिसकी गिवन अमाउंट दी हुई है, तो ये गिवन अमाउंट किसकी दी हुई है नाइट्रोजन की दी हुई है, तो नाइट्रोजन का अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का
कितना मास बनेगा, एक नाइट्रोजन 14 होता है, दो नाइट्रोजन 28 ग्राम हो जाएगा। और अब मल्टीप्लाई बाय अननोन, अननोन कौन है, अननोन है अमोनिया, और अननोन में अमोनिया का क्या फाइंड करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हम उसका लिखेंगे। तो अमोनिया ये है जो कि अननोन है, इक्वेशन में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो हैं तो 2 आ जाएगा, और क्योंकि अननोन वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे। तो वॉल्यूम इसका कितना होता है, वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। तो 14 ones are 14, 14 twos are 28, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर आप देखें तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, 1 1 1 हो चुका है, सिर्फ ये बचा हुआ है, यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो मास टू वॉल्यूम रेशियो में जो अमोनिया है उसका जो वॉल्यूम हमारे पास आया वो 22.414 है। तो आंसर हमारे पास इसमें सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इस लेक्चर का जो फोर्थ एमसीक्यूज है उसमें रेशो को मैंने फिर चेंज कर दिया, मोल टू मोल रेशो का हम एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान में रखें कि अगर इसी से रिलेटेड कोई भी ऐसा एमसीक्यूज हो जो आपको परेशान कर रहा हो तो आप उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसके हवाले से भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस एमसीक्यूज में व्हेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो इक्वेशन हम वाटर की लिख देंगे, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इनका रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में क्या बन गया, वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 लिख देंगे और इधर भी 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2, क्योंकि ये 2 पूरे मॉलिक्यूल का है, हाइड्रोजन का भी है और इसका भी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन मोल कितने हैं और किसके हैं। ऑक्सीजन के गिवन मोल हैं जो कि 2 आपके पास मोल हैं। यहाँ पर जो ये पीछे नंबर लिखा होता है ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो हम मोलर मोल लिखेंगे, हमारा अमाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है कि ऑक्सीजन कितना है कितना नहीं है, ना तो अमाउंट लिखनी है ना वॉल्यूम लिखना है, सिर्फ मोल लिखने हैं। तो इसके मोल कितने हैं, 1 है। और इसी तरीके से जो वाटर है तो इसके भी कोई अमाउंट नहीं लिखने, इसके भी मोल लिखने, तो इसके भी मोल कितने हो गए, 2 हो गए। अगर हम अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2 2 4, यानी कि हमारे पास इस एमसीक्यूज का आंसर कितना आ रहा है, 4 मोल आ रहा है। तो 4 मोल के हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो इसका ठीक हमारे पास होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो मोल टू मास रेशियो है, यानी कि रेशियो फिर मैंने चेंज कर दी। 5 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में और 5ों में रेशियो चेंज है। पहला हमने किया मास टू मास, फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम किया, फिर हमने जो है वो मोल टू मोल भी हमने सॉल्व किया, और फिर इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है मोल टू मास रेशो। मोल गिवन होगा और मास फाइंड करना होगा, जो फर्स्ट आपके पास रेशो में होता है वो गिवन होता है, सेकंड को हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब सेकंड को फाइंड करना है तो अभी इसमें हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो इसमें 2 मोल ऑफ जो है मीथेन गैस है, यानी कि गिवन आपके पास मोल दिया हुआ है, और इसके बाद मालूम करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस होगी। मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है, मोल मीथेन के दिए हुए हैं। तो इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं। तो इक्वेशन में था हमारे पास CH4 एंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास वाटर बनता है। तो इक्वेशन बैलेंस करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 4 हो जाए, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ लिखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन जब बैलेंस हो तो जो अमाउंट दी हुई हो, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो मोल हो, चाहे वो मोलर वॉल्यूम आपके पास हो, जो वॉल्यूम दिया हो या जो मोल दिया हो, जो मास दिया हो, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो 2 मोल हमने लिखा किसका, मीथेन का, यहाँ से आपके पास आ गया 2 मोल, और फिर इसके बाद नीचे इसका मोलर मोल लिखना है। मोलर मोल वो मोल होगा जो इक्वेशन से लिखेंगे। देखें एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी इक्वेशन से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि आपने जो मोलर पार्ट लिखना होता है, गिवन के अलावा जो पार्ट लिखना होता है वो सारा इस इक्वेशन से लिखना होता है। इस इक्वेशन में जिस मॉलिक्यूल्स के मोल दिए हुए हैं तो इस इक्वेशन में देखना है कि उसके कितने मोल हैं, तो उसका मोल 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
अब हमें क्योंकि फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर हम मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट फाइंड करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखेंगे जो कि मोलर मास होगा। तो कार्बन का मोलर मास हमारे पास बनता है 44 ग्राम बनता है, क्योंकि वन कार्बन जो है अगर हम उसको देखें तो वो है 12, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो दो ऑक्सीजन एटम है, एक 16 दूसरा भी 16, तो 32, तो प्लस करें तो 44 बनता है। तो मोल मोल से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और इस 2 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब ये बन जाएगा 88 ग्राम। तो ठीक ऑप्शन जो है इसमें वो हमारे पास डी ऑप्शन है जो कि 88 ग्राम है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और स्टीशोमेट्री के जो रेशोस थी उनके मैंने डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए। अगर आपको इन एमसीक्यूज में कोई मसला हो या इसी तरह की कोई और एमसीक्यूज हो जो स्टीशोमेट्री से ताल्लुक रखते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं उनको भी सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। थैंक्स।